नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, ये आईपीओ की हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो इस चैनल पे आपको आईपीओ, स्टॉक्स मार्केट रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस की और म्यूचुअल फंड की जानकारियां यहाँ पे टाइम टू टाइम आप लोग को मिलती रहेंगी और लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मैं देने की कोशिश करूंगा अगर आईपीओ और स्टॉक्स मार्केट से संबंधित है तो। और ज्यादातर हमारी, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल की वीडियो ही यहाँ पे आएंगी, लेकिन उसके संबंधित आईपीओ और म्यूचुअल फंड की वीडियो भी बीच बीच में डालते रहूंगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा आईपीओ है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो कि नया ये लिस्टेड होने वाला है। इसका आईपीओ की घोषणा हो चुकी है, डेट इसकी आ चुकी है, कितने करोड़ का ये इशू है ये भी देखना है। और क्या ये सबसे बड़ी बात है कि क्या ये बैंक IRCTC की तरह एक धमाका कर सकता है, कमाल कर सकता है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वहाँ पे मैं बताऊँगा। और दूसरी चीज़, इस बैंक में मैं सब्सक्राइब करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ, आईपीओ की डिटेल्स आपको पूरी तरह से हिंदी में बताऊँगा और लिस्टिंग गेन किस तरह के मिलेंगे और ग्रे मार्केट का क्या प्राइस अभी चल रहा है, इस बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और पहली रिक्वेस्ट है आप लोग से कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने व्हाट्सअप ग्रुप, सोशल मीडिया में शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जो इसका इशू प्राइस ओपन होगा वो होगा 29 नवंबर को, क्लोज होगा वो 3 दिसंबर को क्लोज होगा। अभी इशू प्राइस इसका आया नहीं है, जो फेस वैल्यू है वो 10 की है, जो ऑफर ब्रेकअप है वो QIB के लिए 50% का, HNI के लिए 15% का और रिटेल के लिए 35% का कोटा यहाँ पे निर्धारित है। ठीक है, इशू का जो साइज है वो 1200 करोड़ का है, यानी 1200 करोड़ का इशू साइज है। लिस्टिंग NSE और BSE दोनों ही एक्सचेंज में होगी और जो इक्विटी शेयर फ्रेश है, ये ध्यान रखिए कि ये फ्रेश इक्विटी है। बहुत सारे इसमें ऑफर फॉर सेल आते हैं, ठीक है, और बहुत सारे फ्रेश इशू आते हैं। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि कोई कंपनियां पहले से इन्वेस्टेड है और वो वहां से बेच के निकल रही हैं, तो ये फ्रेश इशू है पूरा। 34,28,57,142 शेयर का ये फ्रेश इशू आ रहा है, तो ये पूरी तरह से फ्रेश है। कंपनी ये पैसा उठा रही है और कंपनी बिजनेस को ग्रो करने में इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। अब देखिए, पहले इसके बेसिक अलॉटमेंट जो आपको 6 से 7 के बीच में मालूम हो जाएगा कि ये शेयर आपको मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको शेयर मिला है तो आपके जो अकाउंट से पैसे यहाँ पे कट जाएंगे 8 और 9 के बीच में। अगर आपको नहीं मिला है तो जो आपके पैसे ब्लॉक हैं वो अनब्लॉक यहाँ पे हो जाएंगे 8 से 9 दिसंबर के बीच में। आपके अकाउंट डीमेट में शेयर दिखने लगेगा 10 दिसंबर तक और जो लिस्टिंग इसकी होगी वो होगी 11 दिसंबर को। इशू का मतलब ऑब्जेक्ट फॉर इशू, इस इशू लाने का मतलब क्या है, बैंक का ये बैंक के इशू क्यों ला रहे हैं। तो बैंक क्या है, Tier 1 कैपिटल, यानी कैपिटल उनको रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए ये इशू लेके आ रहे हैं। दूसरा है मीटिंग फॉर एक्सपेंस एंड रिलेशन टू द इशू, तो इनके जो एक्सपेंस के कुछ इशू है उसको ये सॉल्व करेंगे और रिवाइज टू बेनिफिट, और जो बाकी कंपनियां करती हैं जो बेनिफिट लेना है स्टॉक मार्केट, तो लिस्टिंग का जो बेनिफिट है एक्सचेंज में, जो लिस्टिंग का बेनिफिट होता है वो लेना है। लिस्टिंग से आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको जानने लगते हैं कंपनी को, जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो अपने व्यू यहाँ पे देने स्टार्ट करना लगती हैं अगर अच्छी कंपनियां हैं तो इसके लिए जो लिस्टेड उसका जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट भी ये कंपनी उठाना चाहती है। अब ये कंपनी देखिए, ये कंपनी मतलब ये बैंक ही समझिए, जो बैंक है ये 2017 से अपने कारोबार स्थापित किया, 2017 में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से। ये छोटे रिटेलर को ज़्यादातर लोन प्रोवाइड करते हैं। इनका जो बैंक का गोल है वो भारत में जो फाइनेंशियल को है उसको स्टेबल करना है, ये इनका गोल इन्होंने बना के ये रखा हुआ है। इसकी जो प्रमोटर कंपनी है वो उज्जीवन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड है। आपको पता है कि उज्जीवन फाइनेंस सर्विस लिमिटेड वो लिस्टेड है मार्केट में और उसको जो लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, तो उस रिजल्ट में जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका भी योगदान है क्योंकि ये इसकी प्रमोटर कंपनी है, तो प्रमोट करती है वही कंपनी। अब इस कंपनी का यानी बैंक का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, स्मॉल साइज के लोन प्रोडक्ट में इनका है, ठीक है, इकोनॉमिकल पुअर वोमेन को ये लोन प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल लोन है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं और कंपनी का बैक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ये लीडिंग करते हैं, बहुत अच्छा इनका सपोर्टिंग, इनका बहुत अच्छा इनका सपोर्ट है। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये देखिए 24 राज्यों में अपना कामकाज संभालता है और हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे 30 जून 2019 तक इनके पास में लगभग 4.72 मिलियन, यानी मान के चलिए आपकी ये 47 लाख इनके पास कस्टमर थे। 474 बैंकिंग आउटलेट हैं इनके, 387 ATMs हैं, दो इनके 24/7 फोन बैंकिंग यूनिट है जो कि बेंगलोर और पुणे में है, 50 एडिशनल ऑपरेटेड एसिड सेंटर हैं इनके,
तो कस्टमर कैन यूज मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इस 5 लैंग्वेज, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसको आप 5 भाषाओं में यूज कर सकते हैं। अब ये कंपनी लोन कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड करती है, कैसे कैसे लोगों को लोन देती है, क्या इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है या नहीं है। देखिए, पहला ये एग्रीकल्चर लोन देते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन देते हैं, लोन टू माइक्रो बैंकिंग कस्टमर, पर्सनल लोन देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं, वीकी लोन और एमएससी लोन, यानी सारे लोन लगभग लगभग प्रोवाइड करते हैं ये। बहुत सारी कंपनियां आप देखते हैं सिर्फ हाउस लोन देती हैं, बहुत सारी कंपनियां एग्रीकल्चर लोन ही प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारे सिर्फ फाइनेंशियल को ही देते हैं। तो ये लगभग लगभग सारे फील्ड में है, यानी इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। और करेंट एंड डिपोजिट अकाउंट, आधार, इनरोलमेंट सर्विस है इनके पास, एटीएम कम डेबिट कार्ड, पॉइंट टू सेल टर्मिनल, अलग थर्ड पार्टियों का भी ये कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म है इनका, प्रोवाइड बिल पेमेंट, एसएमएस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, रूपी प्लेटिनम डेबिट कार्ड, तरह तरह की ये सर्विसें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट तरह तरह की सर्विसें ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ये बैंक। अब ये बैंक की थोड़ी सी हम फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि फाइनेंशियल बैंक का कैसा है। देखिए, 2018 में जो एक साल 2018, 19 और ये जो 19-20 हमारा चल रहा है, 3 फाइनेंशियल ईयर इनको इन्होंने डिसाइड बताए हैं। तो अब बैंक का थोड़ा सा हम लोग फाइनेंशियल कारोबार समझ लेते हैं कि बैंक में क्या। यहाँ पे देखिए, जो टोटल एसेट है वो 2018 में इनकी थी 94,728 मिलियन की, जो 19 में हो गई वो हो गई है यहाँ पे 1,37,422 मिलियन। और जो ये करंट मंथ करंट ईयर चल रहा है उसमें अभी तक जून क्वार्टर तक इनके हो चुके हैं 1,42,926 एसेट, यानी काफ़ी तेज यहाँ पे ग्रो आप देखिए तो लगभग लगभग देखे तो 35% से ग्रो कर रहा है इनका टोटल एसेट। जो रेवेन्यू यहाँ पे ग्रो हो रहा है वो लगभग 25% से ऊपर से ग्रो हो रहा है। जो रेवेन्यू इनका 2018 में था वो था 15, जो रेवेन्यू इन्होंने दिखाया है 15,793 मिलियन 2018 में। 2019 में इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे 20,375, और जो करंट 19 और 20 चल रहा है उसमें इन्होंने दिखाया है, दो क्वार्टर में उन्होंने दिखाया है कि 7,055 मिलियन का। यानी मिलियन का मतलब ये समझ लीजिए कि इसमें से एक एक पॉइंट हटाते जाएंगे आप तो ये करोड़ में हो जाएगा। ये टोटल ये दिया हुआ है ये मिलियन में है, तो इसको आपको अगर करोड़ में कन्वर्ट करना है तो एक एक आगे के निकालते जाने हैं, एक एक पॉइंट आपको करोड़ में समझ में आ जाएगा। तो इसका पैट कैसे है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारे खर्चे सारी चीज़ें खत्म होने के बाद जो इनका प्रॉफिट है वो कैसे है, तो यहाँ पे देखिए 68 मिलियन है 2018 में, 1,992 मिलियन हो गया यहाँ पे इनका 19 में, और जो करंट जो ईयर चल रहा है उसमें हो गया इनका दो क्वार्टर में हो गया 944। तो यहाँ भी लगभग लगभग बहुत अच्छी ग्रो है और बहुत अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड जिन्होंने इन्होंने दिखाया है वो तो अभी तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बाकी डिटेल्स आगे आगे जैसे ओवरव्यू आते जाएंगे, बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो इसको रेटिंग देती जाएंगी तो और चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आएंगी। तो फाइनेंशियल तो बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है ये भी IRCTC की तरह एक ओवर सब्सक्राइब होगा और बहुत अच्छा शायद ये लिस्टिंग गेन दे सकता है। जो अभी कि जो ग्रे मार्केट में इसका जो प्रीमियम चल रहा है मेरे ख्याल से 10 से 12% का प्रीमियम अभी तक ग्रे मार्केट में चल रहा है, जबकि अभी तक अभी भी इसका इशू प्राइस नहीं आया है। तो इशू प्राइस आने के बाद सारी डिटेल सही तरह से हमें मालूम चलेगी कि HNI कैटेगरी में कितने सब्सक्राइब होते हैं, QIB में कैसे होते हैं और रिटेलर में ये कितना ओवर सब्सक्राइब होता है। तो इसके ऊपर और डिसाइड हो जाएगा कि एक दो दिन, यानी ये इशू जो आएगा इशू के बाद एक दिन रुकने के बाद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि बंपर लिस्टिंग इस स्टॉक की होने वाली है या नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे जो इनका स्ट्रेंथ पॉइंट है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। इनके पास तो पहले बात तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मल्टीपल डिलीवरी चैनल है इनके पास, पैन इंडिया यानी पूरे भारत में लगभग लगभग इनका प्रेजेंट है, इनका डिजिटल एडवांस प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड करते हैं, एंड स्टेबल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, काफ़ी स्टेबल इनका रिस्क मैनेजमेंट है। जो जो कंपनी के प्रमोटर है आपको पता है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इसकी कंपनी की प्रमोटर है। तो ये थी थोड़ी सी इसकी डिटेल्स, कुछ डिटेल्स इसकी और आगे आ जाएंगी। तो मैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए तैयार बैठा हूँ, इसके IPO में मैं फॉर्म डालूंगा और आप भी जरूर फॉर्म डालिएगा। तो पैसे को बचा के रखिए, इधर उधर पैसे को खर्च मत कीजिए, थोड़े दिन पैसे को थोड़ा सा ब्लॉक होने दीजिए। अगर आपको इशू लग गया, IPO आपको लग गया तो यहाँ पे एक लिस्टिंग गेन की संभावना तो बिल्कुल 100% है। अब वो देखना ये है कि वो
लिस्टिंग गेन कितना होता है, क्या IRCTC की तरह एक धमाका हो जाता तब तो मजा ही आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये ओवर सब्सक्राइब होगा, देख लेना आप लोग, ये ओवर सब्सक्राइब जरूर होगा। अगर ये एच एन आई कैटेगरी में अगर 3 से 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया तो समझ लेना आपको 20 से 25% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन आपको कन्फर्म मिलने की तैयारी में है। तो इसमें मैं तो सब्सक्राइब करूंगा और बाकी डिटेल्स मैं आप लोग को आगे लेके आऊंगा, जैसे जैसे डिटेल्स मुझे पता चलेंगी वीडियो बना के आप लोग को डालूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए लेटेस्ट IPO की जानकारी के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।